गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खैर आफिया से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग चैनल पे। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, मैं बना रही हूँ सत्तू वाली रोटी, मींस कि ज़ियान की लंच के लिए। ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जैसे नॉर्मल सत्तू के पराठा बनते सेम वही चीज़। हाँ, मैं गार्लिक क्रश किया हुआ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और थोड़ा सा अजवाइन देती हूँ ज़ियान को स्कूल छोड़ने के बाद। रास्ते में मुझे ज़रूरी होता है कुछ ना कुछ सब्ज़ी लेना, तो इस टाइम पे टोमेटो का दाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गया, मींस कि आधा हो गया। 180 रुपये के जी था, सिर्फ 80 रुपये के जी है। तो यहाँ से टोमेटो लिया, ग्रोसरी कुछ लेना होता है लाइक पोटैटो भी घर पे नहीं थे तो वो हमने लिया, और फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए घर आते हैं। थकावट हो जाती है यार इस टाइम पे, मॉर्निंग का टाइम होता है ज़रूर बट हो जाती है। लॉलीपॉप सिर्फ जुनैरा के लिए हमने लिया है। तो मैं कुक कर रही हूँ, खाना ऑन करके हूँ यहाँ पे अच्छे से डीप क्लीन, क्योंकि फ्राइडे को मैं ही डीप क्लीन करती हूँ। और अभी सूख रहे हैं, फ़ैन हमने ऑन कर रखा है, सोफ़े कवर अच्छे से क्लीन कर लिया, यहाँ पे क्लीन कर लिया, और ये बेडशीट भी हमने वॉश किया हुआ डाल लिया है, ये न्यू नहीं है ऑब्वियसली, ये दिख रहे हैं। और जुमा को मेरा डीप क्लीनिंग हो जाता है, ये देखिए ये इनके कारनामे, पूरा ऑयलिंग अभी हमने किया, इसे शावर दिलवाना क्योंकि फ्राइडे को डीप क्लीनिंग करते हैं। और ये जो कपड़े फोल्ड है ये जुनैरा साथ साथ कर रही है। अभी लाइट आ गया है, मैंने फैन ऑन कर लिया और अच्छे से मैंने पूरा घर को दी कवर ले लिया है। और ये लॉरियल टोटल रिपेयर 5, ये बहुत अच्छा सीरम है हेयर के लिए। तो बस थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स मैं लूँगी, अभी अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं चली सोए कहाँ पढ़ने। जी हाँ मम्मी, क्या? मम्मी के लिए है ये, आपके लिए नहीं है ये, जब मामा बड़ा ही हो गई ना अभी दे दीजिए मम्मी को। बस 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 बहुत हो गया, इतना मेरे हेयर के लिए काफ़ी है, अच्छे से मैं अपने हेयर पे अप्लाई कर लेती हूँ। तमाम लोगों को बोलती हूँ कि आप लोगों ने भी पढ़ना है फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ें। हाँ ये है सूरह कहफ, और इसके बहुत सारे फजाइल, बहुत सारे, ये देखिए। तो बस मानी के साथ इंशाल्लाह मैं भी पढ़ती हूँ, और साथ में मेरी जुनैरा पढ़ेगी। अभी इसका ऑयलिंग रहेगा कंटिन्यू, बाद में शावर दूंगी। अलिफ कहाँ जुनैरा? अलिफ बा ता सा, वेरी गुड मेरा बच्चा। तो अब आप भी पढ़े और मामा भी पढ़ती हैं। तो जी हाँ, मैं भी चली सुने कहा पढ़ने, और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून लगता है, बहुत ज़्यादा सुकून लगता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे मैं सूरह कहफ पढ़ रही हूँ, बहुत ही सुकून से, बहुत ही तफसील से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बस मैं चलूँगी अब थोड़ी देर के बाद ज़ियान को लाने के लिए। लेकर आ गई फटाफट, एकदम जुमा को टाइम हमें मिलता ही नहीं है, बस दौड़ के गई, भाग के गई, भाग के आई। तो बस अब फ्रेश होते हैं जी। तो अच्छे से मुँह हाथ धो लिया और कपड़े भी वॉश कर लिए, और ये फ्लावर देखे, ये ज़ियान लेकर आया, और ये कपड़े देखे। मुझे क्या होता है ना कि एक अजीब सी आदत हो गई है, मैं हैंड टू हैंड कपड़े को तुरंत वापस से वॉश करके अच्छे से डाल देती हूँ। और ये देखिए फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है, मैं सोच रही हूँ यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेती हूँ, देख सकते हैं आप। अच्छा लग रहा है, नहीं काश ये ओरिजिनल ये लीफ रहते तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं क्या ही बोलूं, मुझे बड़ा मन करता फ्लावर ये वो डेकोर किया हुआ। जाहिर सी बात है अभी बच्चे थोड़े छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो वो लोग भी हेल्प करेंगे मेरी। इसे क्या लेकर आई? पकौड़ी है। इसको ये नहीं बोलते, बोलो निमकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत होंगे, वेलकम करते अपने चैनल पे। और अभी टाइम हो रहा है मगरिब के बाद, मैं बाहर से आई और फटाफट टी शर्ट चेंज किया, और नमाज मगरिब हमने पढ़ लिया, और ज़ियान ज़ुनैरा भी खुश हैं, आइसक्रीम खा के आए हैं। और असर के बाद नमाज पढ़ने के बाद मैं गई थी नीचे, 2 घंटे आराम से ज़ियान साइकिल चलाया, आज खूब साइकिल चलाया। और अब टाइम हो गया है, मगरिब का नमाज हमने पढ़ लिया, फ्रेश हो गई, कुर्ती मैंने टांग लिया, और ये वजू बनाने के टाइम हल्का सा भीग गया। सो ये टी शर्ट बहुत ही कम्फर्टेबल होता है मुझे घर पर, अमूमन मैं कुर्ती वेयर करती हूँ, सारे लोग जानते हैं, बट ऐसे मैं घर पे के ये पहन लेती हूँ, नाइटी से भी मुझे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं ये टी शर्ट। खैर अब बनाऊंगी एक कप अपने लिए अच्छा जैसा चाय, क्योंकि मैंने थोड़ा देर कर दिया, चाय मैं अभी बना के ही बैठती, बट चाय मैंने इसलिए लेट किया ना बिकॉज अभी मैंने नीचे बच्चे लोगों के साथ आइसक्रीम खाई है। मैं हमेशा बच्चों के साथ बच्चे बन जाती हूँ। खैर, और ये ज़ियान का बैग है जो इसे भी वॉश हमें करना होता है, ड्रेस तो हम हमेशा वॉश कर लेते हैं। मैंने निकाल लिया है, और ये डायरी है ज़ियान की, और न्यू ज़ियान के कॉपी हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आज न्यू कॉपी में ज़ियान को कौन सा वर्ड मिला है, क्या मिले हैं? राइट फॉर लर्न, मीन्स कि लिखना भी है ज़ियान को, राइटिंग भी करनी है, और इसे लर्न भी करना है। ए मैच द लेटेस्ट टू द करेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये ई से तो सभी बच्चे को पता होता है क्या होता है, एल्बो,
एफ तो फिश, तो ये मैच भी करना है, करेक्ट करना है। तो यही सब छोटे छोटे टिप रहते हैं जो कि सारे बच्चे के रहते हैं, और ये ज़ियान को मैं समझाऊंगी, जुनायरा को समझाती हूँ, और हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ करने में। जी हाँ, मेरा डे कुछ इस तरीके से जा रहा है, ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। सो बस फटाफट मैंने यहाँ पे बना लिया एक कप अपने लिए, और अब साथ ही साथ यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ। जी, तो मैं किचन में आ गई हूँ, और ये कुछ इस तरीके से मैंने रफली टोमेटो चॉप कर लिया है, और यहाँ पे अनियन है एक से दो, और थोड़ा सा अदरक, ये लहसुन का पेस्ट है, और ये देखिए कुछ मसाले मैंने यहाँ पे निकाल के रखी हूँ, बस एक एक पिंच है, और ये कस्तूरी मेथी, और ये बॉयल किया हुआ आलू जो कि बहुत मज़ेदार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बनाने जा रही हूँ अभी। और ये थोड़ा सा फोड़न के लिए निकाला है मैंने तेज़पत्ता फोड़न, एक लाल वाली मिर्च सूखी जो रहती है, बस। पसंद का कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने जो फोड़न निकाला था वो डाला, और उसमें चॉप किया हुआ अनियन डाल दिया। अनियन डालने के बाद हमने गार्लिक का पेस्ट डाल दिया, और कुछ हरी मिर्च जो हमने कट करके रखा था वो भी डाल दिया। थोड़ा सा कुक होएगा, इसी पैन में हमने जो मसाला निकाल कर रखा है थोड़ा थोड़ा वो डाल देंगे, और इसमें कुछ भी ज़्यादा मसाला नहीं। आप देख सकते हो कि अलग से मैंने ग्राइंड करके खूब सारा भर भर के दे रही हूँ, नहीं, बट इस टाइप से आपने लाजमी ट्राई करना है, बहुत अच्छा लगने वाला है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं खाई तो बहुत ज़्यादा। खैर, यहाँ पे टोमेटो जो हमने चॉप करके रफली रखा था वो डाल दिया, और थोड़ी देर के लिए ढक देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, और मतलब गैस का फ्लेम। अब इस टाइम पे पोटैटो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आ गए हैं, ये गर्म नहीं है, तो इसे हाथ की मदद से मैंने क्या करना है, क्रश कर लेना। आप चाहें तो किसी और चीज़ से भी कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में रहेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे रहेंगे, बट ये मैंने थोड़ा सा बना रही हूँ, तो मुझे बहुत मन कर रहा था। वैसे ये वाली ना आप पूरियों के साथ भी खा सकते हैं, पूरी के साथ बहुत अच्छा लगने वाला, पराठा के साथ भी, बट मुझे ऐसा लग रहा था मैं गरम गरम चावल के साथ खाऊं। हाँ जी, इस वक्त ये लीड को ओपन करके हमने देखा, और ये देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो इस तरीके से हमने पैचुला की मदद से इसे हल्का हल्का टमाटर को क्रश करना है, इससे जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। वैसे भी टमाटर तो थोड़ी देर में सॉफ्ट हो ही जाते हैं, तो इस स्टेज पे क्या करना है, जो आलू हमने क्रश करके रखा था बॉयल्ड वो भी डाल देना है, और उसके बाद अपने थोड़ी देर तक अलट पलट करना है, और अपने मेजरमेंट के हिसाब से फिर पानी ऐड कर देना, नमक चख लेना, और कुछ भी इसमें मैगी मसाला या अलग से कोई भी मसाला देने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमने दिया कम से कम चीज़ों में बहुत ही अच्छा डिलीशियस सा डिश तैयार होने वाला है। आप लोग भी सोचोगे बहुत ही तारीफ़ करें, लेकिन लाजमी आप ट्राई करें, कम चीज़ों में बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। अब कुछ मिनट के बाद मैंने ओपन किया, और ये एकदम खाने के लिए रेडी हो गया है, तो बस मैं इसे अब डिश आउट करती हूँ और फटाफट खाती हूँ। हाँ जी, तो मेरा तो बातों ही बात में व्लॉग भी बन गया, बात भी आपसे बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ समटाइम, और ये खाना भी कुक हो गया, तो बस मुझे तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, और मैंने खाकर भी देखा बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा मुझे। आई डोंट नो ये कैमरे में कैसे लग रहे हैं, बट दिखने में मुझे लुक वाइज अच्छे लग रहे हैं ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा भी, और खाने में भी मज़ेदार थे। ये प्यारे प्यारे सब्ज सब्ज को देखकर ऐसा जी लगता है कि मैं इसे देखते रह जाऊं, तो ये मैंने कैप्चर सिर्फ आपके लिए किया है, और ये ख़ूबसूरत सी सुबह के साथ एक ख़ूबसूरत सा मैसेज देना चाहती हूँ कि आपकी नसीब के फ़ैसला आप कि अल्लाह की मर्ज़ी से होगा, और अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, कि मर्ज़ी यही है कि आपके हाथ में आपके आमाल हैं, आप जैसा करोगे वैसा पाओगे, आपकी शादी, बच्चे, जॉब, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से होती हैं, और वो अल्लाह की मर्ज़ी पे सर झुकाना, अल्लाह की मर्ज़ी को मान लेना, यही इस्लाम है, और हम सब प्यारी प्यारे भाई बहनों इस पर अमल करें। और बातों ही बातों में देखें हमारा पराठा बन गया, ये नॉर्मल पराठा है, इसमें मैंने सत्तू भी ऐड किया है, इसे बहुत अच्छा आता है, और बटर से हमने सेका है। इस तरीके से मेरा डे गया। आई होप डू यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।